गाइस मॉब को तो मार दिया और सामने क्रीपर, वो भाई मुझ के सामने डरे भागो, ये फेंस बीच में आ रहा है इसका, तो क्या ही करूँ। और भाई हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वनब्लॉक, तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं चेंजेस तो किया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ा सा माइनिंग किया था। तो माइनिंग स्टार्ट करते हैं, और आज का हम लोग का गोल होगा सेकेंड फेज में जाना, और मैं एक प्लेटफॉर्म भी बनाऊंगा ताकि उसमें थोड़ा सा मॉब मार सकूं, क्योंकि मुझे मॉब्स की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि उनसे आइटम्स मिलते हैं बहुत सारे। तो शुरू करते हैं माइनिंग। तो गाइस इसे कंप्लीट करके मैं बनाने जा रहा हूँ मेरा प्लेटफॉर्म, तो आप देखते जाइए। अभी जाके मैं स्लैब बनाऊंगा, स्लैब बना के फिर मैं उस साइड बनाता हूँ। कौन सा साइड बना, मतलब क्राफ्टिंग टेबल जिस साइड है उस साइड ही बनाता हूँ, क्योंकि वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले तो मैं सोचा था कि ये मैं घर के लिए बनाऊँगा, मतलब अपना घर जो है इसके ऊपर बनाऊँगा इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन एक चीज़ हो गया जो कि बाद में वीडियो में पता चलेगा, उसके कारण मैंने इसको मॉक्स कॉर्नर बना दिया। गाइस बॉर्डर ख़त्म होने जा रहा है, फिर बॉर्डर ख़त्म करके हम लोग थोड़ा माइनिंग करेंगे। पहले तो मैं ये फिलअप करूँगा बॉर्डर ख़त्म करके, फिर तो गाइस हमारा जो वो है प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। तो अरे सोना चाहता लेकिन ये सो नहीं रहा, तो छोड़िए सो नहीं रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हो बाउंड्री बना दिया, अभी मैं दिखाऊँगा नहीं, और ये सब करते करते मैं एक बार मर भी गया, क्योंकि इधर पर मैं ये कर रहा था ना तो क्रीपर आ गया था। तो वीडियो के स्टार्ट में जैसे आप देख सकते थे एक क्रीपर आया था, उसका दूसरा आया था, लेकिन उसमें मेरा सामान बच गया। तो जो रीजन है जिसके लिए मैं ये मॉब स्पॉनर बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन हो रहे थे, मतलब क्या है बताओ, इतना मॉब स्पॉन हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको मॉब स्पॉनर ही बना दिया, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और घर का प्लेटफॉर्म मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो अभी इसके लिए बस इतना। तो ये सब करते करते मैंने थोड़ा माइनिंग भी किया था, तो माइनिंग में मुझे मतलब एक फेस कंप्लीट हो गया, फिर मुझे स्नो वाला फेस मिला, तो वो कुछ ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने सोचा वीडियो तो छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा दूसरा वाला फेस में हम लोग वो करेंगे। और उसका क्लिप वैसे भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने उसको बंद करके रखा था, क्योंकि मैं ये सब प्रोसेस कर रहा था इसलिए, तो उसका क्लिप तो नहीं होगा, लेकिन आप इंजॉय कीजिए वीडियो तक का। तो गाइस जैसा कि सामने देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा मॉब स्पॉन हो गया, तो जल्दी से जल्दी बो एंड एरो ले लेता हूँ, तो उन सबको मारेंगे, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो जल्दी मारेंगे, सबसे पहले ये क्रीपर सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा इस वीडियो के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आप देख ही सकते थे उसने मेरा कैसे काट दिया था, तो क्रीपर ही मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, तो उसको जल्दी से जल्दी मारते। और ये मकड़ी क्यों मरने आते हैं, मतलब मरने क्यों आते हैं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे अक्ल है। और मेरा निशाना देखो, वाह ओ भाई, इससे मतलब अच्छा निशाना किसी का हो भी सकता है, अगर है तो कमेंट कीजिए या फिर अपना खुद का नाम ही दे दीजिए।
तो गाइस मॉब्स को तो मार दिया और मुंह के सामने की तरफ भागा 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 ये स्पाइडर और ये गौरव कोई सब बीच में आ जाओ मर नहीं मतलब और ये भाई मर गया। तो स्टार्टिंग में यही चीज मैंने दिया था जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मेरे तो इधर एल लग गए ज़्यादा कुछ नहीं तो इसको मतलब कनेक्ट करते हैं फिर हम लोग वो करते हैं ट्राई करेंगे माइनिंग करते हैं। गाइस फाइनली न्यू फेस और अभी हम लोग मतलब माइनिंग करेंगे न्यू फेस। तो न्यू फेस जल्दी से जल्दी आ जा आ जा आ जा 12 सेकंड ये सेकंड क्यों देना होता है इनको डायरेक्ट नहीं दे सकते क्या मतलब क्या अलग है मतलब मैं खुशी के मारे रह नहीं पा रहा। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और ये आया डेजर्ट। तो अभी वीडियो का एंड करते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।